सो गाइज अनफॉर्चुनेटली बुलेट 350 जो यहाँ पर है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब कौन सी वाली हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बुलेट कितनी आती है इंडियन मार्केट में, कितनी आती थी। तो तीन तरीके की बुलेट 350 आती थी। फर्स्ट आती थी बुलेट 350 किक स्टार्ट, सेकेंड आती थी स्टैंडर्ड 350 और थर्ड आती थी बुलेट 350 ES इलेक्ट्रा वेरिएंट। अब जो स्टैंडर्ड आती थी, स्टैंडर्ड सबको पता है यहाँ पर अलग टाइप का, उसमें फ्यूल टैंक होता था, एम्ब्रॉज लोगो होता था, पिन स्ट्राइपिंग वगैरह आती थी, तो वो आती थी स्टैंडर्ड। अब बुलेट 350 किक स्टार्ट जो बेसिक आती थी वो इसी तरीके की आती थी, बट इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था। और ये वाला जो वेरियंट है ये है बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा, सो इसे इलेक्ट्रा भी कहते हैं। तो ये वाली तो अभी आती है। अब जो बाइक डिसकंटिन्यू हुई है वो है बेसिक बुलेट 350 किक स्टार्ट जो पहले आती थी इसी डिज़ाइन की, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं होता था, वो डिसकंटिन्यू हुई है। स्टैंडर्ड 350 जो है वो अभी भी आती है, स्टैंडर्ड 350 डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तो एक बहुत सही, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि स्टैंडर्ड 350 एटलीस्ट अभी भी आ रही है। स्टैंडर्ड 350 को अभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, बट जो बेसिक यहाँ पर बुलेट 350 किक स्टार्ट आती थी वो अब नहीं आती है। सिर्फ दो मॉडल आते हैं बुलेट के अंदर, एक तो स्टैंडर्ड 350 जो किक स्टार्ट वाला आता है, एंड एक आता है ये बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट, जिसमें आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाइक के बारे में। ये लेटेस्ट बाइक है, 2023 मॉडल BS6 लेटेस्ट वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ इस बाइक के अंदर, अब आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पर बात कर लेते हैं, 19 इंचेस के जो है स्पोक व्हील आते हैं, ट्यूब वाले टायर आते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, 280 mm का सिंगल चैनल ABS आता है, मतलब जो सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसके अंदर आपको ABS देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मेटल का फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आती है, बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं, ऑलमोस्ट 13 liters का फ्यूल टैंक आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है पहले जैसा ही देखने को मिलता है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, एनालॉग ही सिर्फ आता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पर तीन लाइट्स आती हैं, एक तो फ्यूल की, एक इंजन मैलफंक्शन की और एक ABS की। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर की होल एरिया है। हैंडल बार्स पे आपको लेफ्ट में देखने को मिलता है हाई बीम लो बीम इंडिकेटर ऑन पास बटन, राइट साइड में आता है किल स्विच और इग्निशन स्विच इसलिए आता है बिकॉज ये इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली बाइक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 349 cc का इंजन आता है, 19 bhp एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉर्क है बुलेट का। बुलेट जानी जाती है अपने टॉर्क की वजह से और दूसरी चीज़ अपने आवाज़ की वजह से, बिकॉज जो इस बाइक का इंजन का थंप है बहुत डिफरेंट है। मतलब ये न्यू बैलेंसर शाफ्ट वाला इंजन नहीं है, ये ओल्ड यहाँ पर सीरीज़ वाला इंजन है, बिकॉज इसके अंदर अभी भी आपको यहाँ पर किक स्टार्ट देखने को मिलता है, किक स्टार्ट अभी भी आता है बुलेट 350 के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। काफ़ी लॉन्ग एग्जॉस्ट सेटअप आता है इस बाइक का, जो आवाज़ है उसी के लिए ही बुलेट जाने जाती है। मेन बात तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बुलेट 350 की बैजिंग देखने को मिलती है, सिंगल सीट आती है बट स्पेसिंग बहुत ही बढ़िया आती है, मतलब काफ़ी शानदार एक कम्फर्टेबल बाइक है। स्पेसिफिकली यहाँ पर टूरिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम बात करें रियर में, आपको कुछ इस प्रकार से बल्ब टेल लाइट, बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, डुअल शॉक सेटअप आता है, वन एट द लेफ्ट वन एट द राइट। रियर में अगर हम बात करें तो 19 इंचेस के सेम स्पोक व्हील्स आते हैं, ट्यूब टायर आते हैं, ड्रम ब्रेक आता है, डिस्क ब्रेक नहीं आता है बुलेट 350 के अंदर, सिर्फ ड्रम ब्रेक आता है और सिंगल चैनल ABS आता है, मतलब फ्रंट का जो ब्रेक है उसके अंदर ही आपको ABS देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से काफ़ी लॉन्ग एक गैंगस्टर लुक वाली बाइक आती है। यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूँ तो कंफर्ट बहुत अच्छा है, वेट डेफिनेटली ज़्यादा है बाइक का एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, बट इस बाइक को जो चलाने का मज़ा है, एक जो इस बाइक का ऑरा है इंडियन मार्केट में वो आप देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत एक अलग लेवल की बाइक लगती है बुलेट 350 यहाँ पर, और बहुत ही मज़ेदार लुक वाली बाइक लगती है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा आता है, दो स्टैंड आते हैं, एक मेन स्टैंड और एक साइड स्टैंड। यहाँ पर इस बाइक को आप किक से और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला वेरिएंट है। बाकी यहाँ पर जो है बुलेट 350, आपको मैंने बताया अभी दो वेरिएंट आते हैं इंडियन मार्केट में, एक स्टैंडर्ड 350 और एक बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इलेक्ट्रिक स्टार्ट आप यहाँ से पता कर सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन आता है। बाकी जो स्टैंडर्ड 350 आती है उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन नहीं आता है, बाकी बाइक यहाँ पर सेम है। एंड मेन चेंज जो है फ्यूल टैंक में आता है स्टैंडर्ड 350 के अंदर। बाकी आपको यहाँ पर बुलेट 350 का कौन सा वाला मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर देगा, आपको बुलेट 350 कैसी लगती है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। मैंने आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ दे दी कौन सी वाली बाइक डिसकंटिन्यू हुई है, कौन सी वाली बाइक आ रही है,
आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जरूर कर लीजिए। साथ में पहले करने वाला बिल्कुल मिलेगा इंस्टाग्राम में, आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिखा रहा है थ्रॉटल को 98 एडवांस कमेंडल। मिलते हैं आप सभी, थैंक यू पार्ट। सी यू नेक्स्ट मैच, टू डेल मी अपनी नाइट सेफ, बाय।